अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है, इसे कोर्ट में घसीटने की जरूरत नहीं है। साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने ये भी कहा है कि राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के हैं, और जब मामला सुलझेगा तब वो भी एक पत्थर लगाने अयोध्या जरूर जाएंगे और इस मुद्दे का जल्दी समाधान होना चाहिए। अब्दुल्ला ने इस बात पर जोर दिया है कि विवाद से जुड़े सभी पक्ष एक साथ बातचीत के टेबल पर बैठें और जल्द ही हल निकालें। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर सुनवाई हुई थी और महज कुछ ही सेकंड की सुनवाई में कोर्ट ने अगली तारीख 10 जनवरी तय कर दी है और अब इस मामले के संबंध में नई बेंच तय करेगी कि इसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में लंबित इस केस में देरी को लेकर कई हिंदूवादी संगठन भी सवाल उठा रहे हैं। कई तरफ से सरकार पर अध्यादेश लाने की मांग भी उठ रही है, लेकिन पीएम मोदी ने कोर्ट के आदेश को प्रमुखता देने की बात कह दी है। अब देखना होगा कि राम मंदिर पर टली ये सुनवाई 10 जनवरी को क्या रंग लाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस यूपी को भी सब्सक्राइब कीजिए।